more questions related to low AMH level, but we have seen in our Garbhadhan program, people are conceiving with low AMH as well. And, you know, their AMH is also increasing within 1 or 2 months span of time. So people are still in a doubt that I can conceive, you know, can I conceive, because they had a natural conception, but detect with no heartbeat in fetus. So continuously they done the DNC and miscarriages history are there. Even the doctor says the ovaries are very small. So is there any hope with the Garbhadhan program? See, ovaries are small, doesn't matter. Pehli baat. Ye jo aap sochte na, ovaries small, or ye, it doesn't matter. Till it is able to produce egg, it is okay, it is good. Now you need better egg quality, better sperm quality. Sperm count ka bhi itna matlab nahi hai. Sperm count also increases by doing Garbhadhan Kumbha. Sperm counts, sperm motility, sperm morphology, sperm quality. ये सारी चीजें बढ़ती है. एग एएमएच बढ़ जाता है. सो व्हाट आई एम सेइंग, वंस अगेन दोबारा से कहता हूं, एक नैरेटिव क्रिएट कर दिया गया. आप उसी नैरेटिव में फंसे हो, क्योंकि आप गूगल देखते हैं ना, तो गूगल में वही भर रहे हैं सारी चीजें. एएमएच काउंट नहीं बढ़ सकता. वी हैव प्रूफ, हमारे पार्टिसिपेंट्स के पास में प्रूफ है. एएमएच काउंट बढ़ता है, 100% बढ़ता है. एग क्वालिटी बढ़ती है, स्पर्म क्वालिटी बढ़ती है. बट क्या ये किसी केमिकल से बढ़ता? नहीं, केमिकल से नहीं बढ़ता, इनफैक्ट खराब होता. क्या आप इसे किसी आर्टिफिशियल और सिंथेटिक हार्मोन से इसका काम चला सकते हैं? आप सिंथेटिक फूड खा सकते हैं? नहीं खा सकते. तो आप ऐसे कैसे सोचते हैं आपका शरीर खा लेगा? आप सिंथेटिक फूड जब नहीं खा सकते, तो सिंथेटिक हार्मोन लेके आपका शरीर उसे एक्सेप्ट कर लेगा, ऐसे कैसे सोचते हैं? देखिए, ये फिरंगियों का थॉट प्रोसेस है. उन्होंने दुनिया बर्बाद कर दी है. पीछे 100 सालों के अंदर फर्टिलिटी का इश्यू बहुत बढ़ गया. अगर इनको इतना ही मालूम था तो ये प्रॉब्लम ही खत्म हो जाता, इजंट इट? आप जरा अपनी समझ को इस्तेमाल करें. फर्टिलिटी इश्यूज कितने सालों में ज्यादा आया है? डू यू रिमेंबर योर ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, नानी और दादी, याद है आपको? याद है कितने बच्चे थे? ज्यादातर के ज्यादा थे, 3, 4, 5, इवन मोर, है कि नहीं है? और यहां तो एक में भी आई तौबा मची हुई है, एक में भी मुश्किल आ रहा है. किसने किया? इन द लास्ट 25 to 50 years ये हालत कर दी हमने अपनी. किसकी वजह से किया? किसकी बात सुनते हैं आप? डॉक्टर्स की बात सुनते हैं ना? और डॉक्टर्स कहां से आए? ये हमसे साइंस चुरा के फिरंगी जो ले गए ना, उसी को उन्होंने ऊट पटांग करके बेचा हमारे को. फर्टिलिटी एस्पेक्ट और ऑल काइंड्स ऑफ साइंसेस ओरिजिनेटेड इन इंडिया. भारत में हर साइंस की उत्पत्ति हुई है, मगर हमको तो गुलाम बना लिया 1600 साल तक. हमारे साइंस को ले जाके वो अपने तरीके से डाल लिया उसको. पर चोरी की हुई चीज हजम नहीं होती साहब. हमारे बच्चे भी ना वही फिरंगी थॉट प्रोसेस ही पढ़ रहे हैं मेडिकल कॉलेज में जाके, और उसी को पुश किया जा रहा है. पिछले 50 सालों में फर्टिलिटी की हालत ऐसी कर दी है कि दिस ह्यूमन बॉडी विच हैज दिस स्ट्रेंथ ऑफ फर्टिलिटी, उसकी हालत ही क्रैश कर दिया. जमीन पे केमिकल डाल के खेती किया ना, क्या हो गया? फर्टिलिटी खराब हो गई लैंड की. अब क्या कह रहे हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती करो. आपने अपने ऊपर बॉम्ब नहीं डाला, केमिकल बॉम्ब? बचपन से कितनी दवाइयां खाई हैं? अपनी जमीन पे अगर आप केमिकल बॉम्ब डालेंगे तो इसकी फर्टिलिटी नहीं खराब होगी. जब लैंड की फर्टिलिटी खराब हो सकती है, तो आपके लैंड की फर्टिलिटी नहीं खराब होगी. तो जैविक खेती कब शुरू करना? ऑर्गेनिक फार्मिंग इस बॉडी का कब शुरू करना? फर्टिलिटी तो बढ़ जाएगी इसकी, लेकिन आप इसके साथ में छेड़खानी करना कम करें. और ये बेचारे की, ये बेचारा शरीर जो है ना, ये लाखों सालों से फर्टाइल लैंड है, ये आज पिछले 50 सालों में प्रॉब्लम आ रही. तो इसकी फर्टिलिटी अगर आपको बढ़ानी, तो इस पर इस वक्त तो काम जरूरी. अगर आप अगले 50 सालों तक बिना केमिकल के जी लें, तो ह्यूमैनिटी की फर्टिलिटी बढ़ जाए. बट वो 50 साल तक हम वेट नहीं कर सकते ना. यू हैव टू डू इट नाउ.
तो हाउ कैन यू डू इट नाउ, यू विल हैव टू वर्क अपॉन इट. इसको थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा और इसको ऐसे सपोर्ट करना पड़ेगा कि आपको दवाइयों की जरूरत ना पड़े. तो प्लीज हेल्प योर बॉडी, प्लीज हेल्प योर बॉडी स्ट्रेंथ. ये आपकी तरफ में ना, ये गाय है एक तरीके से, जो बहुत परेशान नहीं होगी तो आपको नहीं बताएगी. तो ये शरीर अभी परेशान होकर बताना शुरू कर दिया इसने. नाउ लेट्स वर्क अपॉन इट.